राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से एक नाबालिग की जान चली गई। दरअसल 17 साल के एक किशोर की बारिश के बीच पानी में बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के तैमूर नगर की झुग्गी बस्ती इलाके में 25 जून को बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। उस पानी में करंट आ गया था और उसी की चपेट में किशोर आ गया। सुबह 5 बजे मैं उठ के नमाज के लिए गया, वो लड़का नीचे की तरफ गया और बारिश इतनी हुई कि पानी भर जाती, तो पानी भरने पर मेरे दुकान पे भी पानी घुस जाता है। तो नमाज पढ़ के मैं यहाँ से नीचे दुकान की तरफ जा रहा था और मुझसे पहले वो लड़का यहाँ से निकल चुका था, तो जाते ही वहाँ देखा कि वो नीचे पानी में पड़ा हुआ है। जैसे ही पड़ा हुआ तो एकदम से मैं चौंक गया, भाई बच्चा अभी तो घर से निकल गया 10 मिनट पहले। तो इतने से मैंने जो है पड़ोस में जितने लोगों घर भर में भी आवाज लगा उठाया, भाई ये बच्चा हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। तो एक लेडी से वो उठी वहाँ से और उनके लड़के उठे, उनके पोते बड़े बड़े वो सब उठे। और एकदम से फिर जो मैंने भी घर में फोन करा और फिर मेरा भाई डरता हो गया, उसने जाकर ना पानी में जैसे पैर लगा तो उसको झटका लगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि करंट लगा इसे। उसके बाद हमने एक बांस लकड़ी लंबी सी लकड़ी लेकर उसमें एक सूखी चादर लपेट के उसको पकड़ के, बारिश में गीली हुई पड़ी थी सब, उससे पकड़ के उसको बाहर खींचा, उसको उठा कर फिर मेडिकल ले गए। वहाँ मेडिकल वालों ने उसे डायग्नोसिस कर दिया। ये घटना हुआ तो रात में ये घटना, पूरा रात बारिश हुआ तो सब लोग तो नींद में, तब बाद में रात को जो क्या हुआ ना हुआ, कैसे फॉल हुआ किसी का पता नहीं चला। सुबह हल्ला चिल्ला, मैंने यहाँ सोया था दुकान का अंदर, तो हल्ला चिल्ला हो रहा, तब जाके मैं अंदर से आवाज दिया जो क्या हुआ, तो पुरुष ने बोला खुद ही उठ के देखो क्या हुआ। तब जाके मैंने शटर उठा लिया, उठा के देखा जो लड़का को उनका रिश्तेदार लेके जा रहा। करंट लगा था, मैं उस टाइम घर में थी, सो रही थी, तो इतने में फोन आया कि उसको करंट लगा है, पानी में पड़ा हुआ है। वो यहाँ आ रहे थे उस समय? जी। रात को कहीं और सोते थे? जी जी। सुहेल के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि उनके घर में कौन कौन है और वो बेंगलोर से यहाँ आए थे, क्या था, क्यों आए हुए थे, क्या था? वो काम सीखने आया था, जैसे बिजली बिजली का ये सब। अच्छा। बिजली का काम सीखने के लिए आया था।